कभी कभी शत्रु तुम पर शस्त्रों या बल से नहीं, छल और कूटनैतिक विषचरी चालों से वार करते हैं। वे तुम्हें तलवार से नहीं, विष से मारने के षड्यंत्र रचते हैं। इसलिए हमें शत्रु की हर वार के लिए तैयार रहना चाहिए। विजय के लिए जीतने की मात्र इच्छा पर्याप्त नहीं होती, विजय के लिए की गई तैयारी अधिक महत्वपूर्ण होती है। विजय यूं ही कैसे मिल जाएगी? विजयी तो हर कोई होना चाहता है। किंतु विजयी होने के लिए हर कोई समुचित तैयारियां नहीं करता। जीतने के लिए की गई तैयारियां जीतने की इच्छा शक्ति को और दृढ़ करती है। एक बार युद्ध आरंभ हो गया तो जीतने के लिए तैयारियों का समय बीत जाता है। चलते युद्ध में आप युद्ध करेंगे या उसे जीतने के लिए आवश्यक तैयारी? युद्ध के लिए की गई तैयारियों का अंतिम चरण मात्र होता है, जिसका निर्णय उसके लिए की गई तैयारियों द्वारा ही निर्धारित होता है। इसलिए विजय के लिए आवश्यक है विजय के लिए की गई तैयारियां। एक बार जीतने के लिए ढंग से तैयारियां कर ली तो फिर विजय निर्विवाद हो जाती है। इसलिए मैं भी तैयारियां कर रहा हूं।